Hi everyone, this is Akbar Hussain and welcome to my channel Learn English with Akbar Hussain. Today I have a very interesting and informative lesson for you. मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा क्योंकि इस टॉपिक पर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. जैसा कि आपको मालूम है, हर जुबान के अपने अल्फाज और अपनी नेचर होती है. इसी तरह जब हम इंग्लिश के अल्फाज को अपनी जबान में यानी उर्दू या हिंदी में उसका तर्जुमा करते हैं तो उसकी मीनिंग सेम होने की वजह से हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है. जैसे कि हम एक वर्ड है सबमिट और डिपोजिट, उर्दू में इन दोनों का मतलब है जमा करना, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है. जैसा कि वर्ड है लिबर्टी एंड फ्रीडम, इन दोनों में भी मीनिंग तो सेम है आजादी, उर्दू और हिंदी मीनिंग तो सेम है आजादी, लेकिन इनकी नेचर में थोड़ा सा फर्क है. तो इस तरह से बेशुमार अल्फाज है और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको हम सेम चीज के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं. सो टुडे आवर लेसन इज डिफरेंस बिटवीन कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स इन मीनिंग. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ द डे, डिफरेंस बिटवीन कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. यस, फर्स्ट वर्ड है हमारा gate and door. Today I will teach you what is the difference between gate and door. जब हम उर्दू या हिंदी में इस वर्ड की मीनिंग इस्तेमाल करते हैं तो हम दोनों को दरवाजा कहते हैं. मतलब अगर हम कहें दरवाजा खोल दो, मतलब भले वो गेट हो भले वो डोर हो, हम दोनों के लिए ही दरवाजा इस्तेमाल करते हैं. क्या आपको मालूम है कि क्या फर्क है दरवाजा और गेट में? क्या आपको मालूम है? अगर आपको नहीं मालूम, हो सकता है कि आपको मालूम हो सकता है कि आपको ना मालूम हो. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गेट एंड दरवाजा मींस डोर में क्या फर्क है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड डोर. डोर के लिए पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोर कंसिस्ट ऑफ आर सॉलिड रफली रेक्टेंगुलर पीस. डोर जो होता है वो सॉलिड होता है और रेक्टेंगुलर पीस में होता है. आपको पता होगा व्हाट इज अ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है. रेक्टेंगल में जिसके चार कोने हो, चार साइड्स हो और अपोजिट साइड्स बराबर हो, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा. स्क्वायर जो होता है उसके जो है चारों साइड्स बराबर होते हैं. हमारा मोबाइल फोन का जो शेप है वो भी रेक्टेंगुलर है, इसकी अपोजिट साइड्स जो है वो बराबर है. तो आपके दरवाजे की आपके डोर की भी अपोजिट साइड्स जो है वो बराबर होते हैं. First thing, that's always in rectangular piece. And second thing, जो door के बारे में होती है वो भी बहुत important है. Door is an opening between inner areas. मतलब अंदर के जो area होते हैं, मतलब एक घर के अंदर के जो area है, like एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, like एक कमरे से kitchen में जाना, kitchen से bathroom में जाना, वहां जो लगे हुए होते हैं वो हमारे दरवाजे मतलब doors होते हैं. अब बात कर लेते हैं gate की. तो gate क्या होता है? फर्स्ट जो गेट की हम बनावट की बात कर लेते हैं, गेट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल बार्स. इस पर मेटल बार्स लगे हो सकते हैं या वुडन पिकेट्स या वुडन ये लकड़ी का बन सकता है. अच्छा, इसकी ये जो है दूसरी बातें जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने रिसर्च की है, हर एरिया को जो है वो डिफरेंस करता, फर्क करता है. मिसाल के तौर पर जो आप घर के बाहर मेन गेट है, जो मेन दरवाजा है, जो मेन दरवाजा है वो आपका गेट है. दूसरी चीज, जो गेट होता है वो डोर से हैवी होता है, उसमें उसका वजन ज्यादा होता है और वो ज्यादा बड़ा भी होता है. इट इज लार्जर इन साइज और इट इज हैवियर इन साइज, एक हैवियर इन गेट. और दूसरी बात ये है कि वो ज्यादातर जो है मतलब मेटल बार्स, मतलब फ्रिज वगैरह टाइप के बने होते हैं. और यहाँ पे और एक चीज मैंने ये भी पढ़, मैंने देखा था कि डोर्स जो है अमूमन जैसे मिसाल के तौर पर ये डोर है, डोर सिंगल होते हैं और वो इस तरह से मूव करते हैं, इस तरह से खुलते हैं. और जबकि जो गेट होते हैं उसको हम इस तरह से ज्यादातर मूव करते हैं. सो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा. अगर आपके दिमाग में भी है, आपके पास भी कोई नॉलेज है दरवाजे गेट और डोर के डिफरेंस के मुताबिक, तो कमेंट्स में जरूर मुझे बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड डोर. मुझे लगा कि बहुत कंफ्यूज है, मुझसे स्टूडेंट्स हमेशा ही पूछते हैं, तो आप भी मुझे कमेंट करें. अब हम चलते हैं आज के दूसरे कंफ्यूज वर्ड की तरफ. आज का जो दूसरा कंफ्यूज वर्ड है वो है पे, डिपोजिट
एंड समवेयर. अच्छा मैं कंफ्यूज हुआ कैसे, उर्दू या हिंदी वालों के लिए कंफ्यूज हुआ कैसे, क्योंकि इन तीनों का मतलब उर्दू या हिंदी में जमा करना, जमा करना, जमा करना. पे मतलब जमा करना, मैंने भी जमा कर दिया, आई पे द बिल. इसी तरह से मैंने बैंक में पैसे जमा करा दिए, आई डिपोजिटेड द मनी टू द बैंक, और मैंने अपने कॉलेज का फॉर्म जमा करा दिया, आई सबमिटेड द कॉलेज को. तो मिसाल के तौर पर मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेयर टू यूज, अब जमा करना, जमा करना, जमा करना, कहाँ हम सबमिट यूज करते हैं, कहाँ हम डिपोजिट यूज करते हैं, और कहाँ हम पे यूज करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं पे के. पे मतलब टू मेक ड्यू रिटर्न, मतलब आप पर कोई चीज ड्यू हो गई. फॉर एग्जाम्पल आप कहीं वीजा खाने गए, वहां आपने तमाम सर्विस ली, वहां आपने वीजा खाया, तो अब ये आपके ऊपर ड्यू हो गया है कि आप उसको इसकी ड्यूटी पेमेंट करें. तो यहाँ पर आप पे लगाएंगे. मिसाल के तौर पर आपने मजदूर से काम करवाया और आपको जो अदा करना है वो पे ये वो ड्यू हो गया, आपने सर्विस या फिर उससे कोई चीज खरीदी, तो ना वो चीज आप पर ड्यू हो गई कि आप उसे रिटर्न में उसको पे करें. बात करते हैं हम डिपोजिट की. डिपोजिट मीन्स आप इंग्लिश में इसको ऐसा समझना है, टू लीव एन अमाउंट ऑफ समथिंग स्पेशली फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब आप किसी वक्त तक किसी चीज को कहीं पर अमानत के तौर पर हुआ है, वो चीज आपको रिटर्न होगी, आपको रिफंड होगी. मिसाल के तौर पर आप जो बैंक में जाकर पैसा जमा कराते हैं वो आप डिपॉजिट कराते हैं, क्योंकि वो आप पे नहीं करते, वो आप सबमिट नहीं करते, वो आप डिपॉजिट करवाते हैं कि वो आपका अमाउंट आपको वापस मिलेगा. मिसाल के तौर पर आप उससे कोई चीज लेते हैं और मैं उसके अवज में आपके भरोसे के लिए वो चीज अपने आपका पैसा बनता हूँ अपने पास, जो मैं आपको वापस करूंगा, तो वो अमाउंट डिपॉजिट होगा. डिपॉजिट से मुराद वो आपको रिटर्न वापस मिलेगा. जमा करना तो है लेकिन वो आपको मिलेगा. इसीलिए जब आप अपनी फीस जमा कराएं तो प्लीज प्लीज आप उसके लिए डिपॉजिट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि वो आप पे करते हैं वो आप पर ड्यू है. मिसाल के तौर पर अगर आप बिल पे करते हैं तो उसके लिए आप पे का वर्ड लगाएं, नॉट डिपॉजिट. डिपॉजिट मीन्स आप जो भी चीज जमा करा रहे हैं वो आपको वापस मिलेगी. अच्छा सबमिट से मुराद टू गिव डॉक्यूमेंट और एनी पीस ऑफ राइटिंग, मतलब इसका मतलब भी सबमिट का मतलब भी जमा कराने की कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह. तो मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आपने एप्लीकेशन या फॉर्म जमा करना है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, बताएं क्या इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे सबमिट. अगर आपको बैंक में पैसा जमा कराना है या किसी अमानत के तौर पर पैसा जमा कराना है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, डिपॉजिट. वो आपको वापस करेंगे. जैसे मैं साथ में एग्जाम्पल देखी और जो चीज़ आप पर ड्यू हो गई है, जैसे मिसाल के तौर पर आप वीजा पाया, आपने शॉपिंग की, तो वो अमाउंट आप पर ड्यू हो गया है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा. आई होप कि आपको डिपॉजिट पे और सबमिट का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा. नाउ मूव टू अनदर वर्ड. एक बड़ा वर्ड है, बड़ा कॉमन है. अच्छा अब थर्ड वर्ड की बात हम कर लेते हैं. थर्ड वर्ड है हमारा आज का फ्रीडम एंड लिबर्टी. फ्रीडम लिबर्टी इन दोनों की उर्दू और हिंदी मतलब है आजादी. आजादी आजादी आजादी. अब आजादी से क्या मुराद है, लिबर्टी से क्या मुराद है, फ्रीडम से क्या मुराद है, दोनों का मतलब. अब फ्रीडम और लिबर्टी दोनों का ही मतलब आजादी है, लेकिन इनका मतलब में थोड़ा सा फर्क है. लिबर्टी का मतलब आजादी मीन्स इंडिविजुअल आजादी. मिसाल के तौर पर आज के दौर में कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता, ये लिबर्टी है. एक शख्स की अपनी आजादी है, वो कुछ भी करे जब तक वो सोसाइटी को इफेक्ट ना करे. जब इसी से वर्ड निकला है लिबरलिज्म, इसी से वर्ड निकला है लिबर्टी. अब हम बात करते हैं फ्रीडम की. फ्रीडम से मुराद एक ग्रुप ऑफ पीपल को जो चीज कलेक्टिवली आजादी चाहिए होती है. जैसे जब इंडिया और पाकिस्तान बनने के दौरान जो मुसलमानों ने डिमांड की थी वो फ्रीडम थी. क्या थी? फ्रीडम थी. जो अमेरिका में स्टेचू ऑफ लिबर्टी लगा हुआ है वो बात करता है लिबरलिज्म की. मतलब हर शख्स अब जो है वो आजाद है, मीन्स लिबरल है, इंडिविजुअल आजादी. और फ्रीडम मीन्स एक ग्रुप की आजादी. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम. लिबर्टी मीन्स एक शख्स की आजादी, इंडिविजुअल आजादी, एंड फ्रीडम मतलब एक ग्रुप, एक कॉम, एक ग्रुप ऑफ पीपल की आजादी. फोर्थ वर्ड है हमारा फ्लैट और अपार्टमेंट. मैंने अक्सर लोगों को सुना है कि फ्लैट है या अपार्टमेंट है, फ्लैट है या अपार्टमेंट है. फ्लैट एंड अपार्टमेंट एक्चुअली दे आर द सिनोनिम्स. ये दोनों सिनोनिम्स हैं. फ्लैट जो है वो ब्रिटिश यूज करते हैं और अपार्टमेंट जो है वो अमेरिका के लोग यूज करते हैं.
आप अपने जो फ्लैट है उसको अपार्टमेंट कह सकते हैं और अपार्टमेंट को फ्लैट कह सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल ही सेम वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, बट एक अमेरिकन वर्ड है और एक ब्रिटिश वर्ड है, फ्लैट ब्रिटिश एंड अपार्टमेंट अमेरिकन, आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आज के चौथे और आखिरी वर्ड की तरफ चलता हूँ जो है कि सीजन और वेदर। अच्छा, उर्दू में दोनों का ही मतलब मौसम है। आज का मौसम कैसा है, सीजन या वेदर? पाकिस्तान में भी कौन सा मौसम चल रहा है, सीजन या वेदर? सीजन और वेदर में बहुत बड़ा फर्क है, शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सीजन और वेदर में क्या फर्क है। सीजन की बात कर लेता हूँ, एक्चुअली सीजन एक पीरियड का नाम है और सीजन चार होते हैं, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। एक्चुअली आई मिस समथिंग, नो, समर, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, इस तरह को छोड़े अभी। हाँ, आपको उसने ये बताना चाहता हूँ कि चार सीजन होते हैं। अच्छा, ये सीजन होते हैं, इनकी जो पीरियड होता है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है और मखसूस होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें मतलब वर्ल्ड क्लाइमेट की रीजन है, तो उनमें जो सीजन है वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये चार पांच महीने जो है ये समर है। अब ये पांच महीने का हर दिन का जो सीजन है मतलब मौसम है वो सीजन वाला मौसम जो सीजन है वो समर है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें अब वेदर, वेदर चेंजेस आवर टू आवर, वेदर चेंजेस डे टू डे, सम टाइम यू नो पांच मिनट में वेदर बदल जाता है। वेदर में क्या चीजें आती है, वेदर में हम ये देखते हैं कि कितनी बारिश हो रही है, वेदर कैसा है, क्लाउडी है, वेदर जो है वो सनी है, वेदर जो है बहुत रेनी है, हवा का प्रेशर कैसा है, आज टेम्परेचर कितना है। जैसे मैंने कि आपको एग्जाम्पल दी कि सीजन जो है वो एक पीरियड का नाम है, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये पूरा सीजन है। ये पूरा क्या है, ये सीजन है। लेकिन इस सीजन में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये पूरा सीजन था समर का, ये फिक्स था सीजन। अभी जैसे मिसाल के तौर पर अगर अभी मंथ ऑफ मार्च चल रहा है या अप्रैल चल रहा है, मिसाल के तौर पर अभी अप्रैल चल रहा है, तो मैं सबसे पूछेगा कि सीजन कौन सा है, मैं कहूंगा समर। लेकिन कोई मुझसे पूछेगा वेदर कैसा है, तो मैं सबसे पहले आसमान पे देखूंगा और बताऊंगा वेदर कैसा है, कि हवा कैसी है, आज का टेम्परेचर कैसा है, क्योंकि सीजन के हर दिन में टेम्परेचर सेम नहीं होता। अगर गर्मी का मौसम है तो अप्रैल में टेम्परेचर कुछ और होगा, मई में कुछ और होगा, और हवा का दबाव कुछ और होगा, फिर बारिश भी होगी। वेदर एक्चुअली इट्स अ डेली रिपोर्ट, जो डेली रिपोर्ट बनती है। मिसाल के तौर पर अगर आज के मौसम की बात करें, वाओ क्या मौसम हो रहा है, इसका मतलब सीजन की बात नहीं कर रहे हैं हम, वेदर की बात कर रहे हैं। अब वेदर जो है वो क्लाउडी हो सकता है, वो रेनी हो सकता है, वो विंडी हो सकता है, वो एयरी हो सकता है, वो स्टॉर्मी भी हो सकता है, और इसके साथ साथ सनी भी हो सकता है। बहुत सूरज निकला हुआ है, बड़ा ब्राइट है, बोले वाओ व्हाट अ सनी वेदर, व्हाट अ क्लाउडी वेदर, तो टेम्परेचर भी आता है इसके अंदर। तो सीजन जो है वो एक पीरियड का नाम है और वेदर जो है वो एक कंडीशन का नाम है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, चार वर्ड्स का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊं। अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस और मेरी वेबसाइट और मेरा यूट्यूब चैनल, तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। तो प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और आप मेरे थंब जो मेरा बैल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मेरी अपनी वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, इन दिस वे यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज। एंड नाउ इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय, थैंक यू, अल्लाह।